हम लोगों को रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन में हमारी पहले सबसे पहले जो रिजर्वेशन जिनको मिला, जो हमारे प्रतिनिधि थे संसद में, हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। लेकिन मैंने देखा है कि एक फिल्म को बदलने के लिए जब बात आती है, एक फिल्म के लिए बात आती है, तो जो बहुत कम संख्या में आबादी है उस आबादी के भी सभी लोग ज़मीन पर उतर के आते हैं और अक्रॉस पार्टी लाइन वो लोग निकल के आते हैं। उनके जो सांसद विधायक होते हैं वो अपने समाज का समर्थन करते हैं। लेकिन आज देखिए आज क्या हालत है। आज SC ST का रिजर्वेशन 13वीं अनुसूची निकली है UGC की गाइडलाइन के तहत, उसमें SC ST का रिजर्वेशन डाइल्यूट कर दिया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। SC ST का जो एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत डाइल्यूट कर दिया गया है, एक तरीके से निष्प्रभावी कर दिया गया है ज़मीन पर। आपकी जहाँ भी देखो आपके क्या कहते हैं अत्याचार है। NCRB का डाटा उठाकर देखिए, जो अत्याचार है देश में दलितों पर, अनुसूचित जातियों जनजातियों पर, वो अत्याचार में भयानक तादाद में वृद्धि हुई है। तो 70 साल के बाद भी हम अपने मूल अधिकारों के लिए भी आज तक लड़ रहे हैं और हमारा जो वर्ग है, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन जो करने वाले जो लोग हैं, वो हमारे खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं। आप देखिए जिससे देश की 26% आबादी जिस चीज़ से इम्पैक्ट करती हो, SC ST एक्ट डायरेक्टली, क्योंकि आप देख रहे हो इस प्रोग्राम में भी जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, अगर इन पर आज अत्याचार अन्याय होता है तो इनका जो एक सुरक्षा कवच था, वैसे तो FIR दर्ज होती नहीं थी लेकिन जो थोड़ी बहुत हो भी जाती थी वो भी खत्म। तो एक तरीके से ये शील्डलेस हो गए हैं आज की डेट में और पूरा प्रोन टू एट्रोसिटीज़ हैं। हमारे सामने कल ही घटना आई है, एक घोड़ा चढ़ने देने पर हत्या कर दी गई। आज भी समझ में आ रहा है कि दलित समाज और अनुसूचित जाति जनजाति समाज अगर आवाज़ उठाता है तो उसको गोली मार दी जाती है नक्सली बोलकर। तो ये हमारे सामने मुद्दे हैं, हमारे प्रतिनिधि और रोने भी ना दें, बिल्कुल भी उनको बंद भी कर, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गुलाम जो है, जो आखिरी बिल्कुल गुलामी है। आपको बोला जाता है कि आप गुलामी कीजिए और आप गुलामी के आवाज़ खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हम आपको दबाएंगे, और हमारे प्रतिनिधि सो रहे हैं। इसलिए अब जो युवाओं की जो नई पीढ़ी है, जो पढ़ा लिखा है, वो चाहता है कि हम नेतृत्व अपने हाथ में लें। इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आज JS के माध्यम से जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं JS के, उसमें 90% से ज़्यादा पढ़ा लिखा युवा है। और पहली बार मैं देश में देख रहा हूँ कि 70 साल में पहली बार आदिवासी समुदाय से सामाजिक क्रांति की उस लहर डॉक्टर हीरा लावाल ने जगाई है, वो अभिभूत करने वाली है। और ये जो आज जो दिल्ली में जो जंतर मंतर के पास संसद मार्ग पर जो हो रहा है वो ऐतिहासिक है, इतिहास में ये दर्ज होने वाला है। जब हम अगले 10-20 साल में आदिवासी समुदाय का इतिहास देखेंगे सामाजिक क्रांति का, तो उसमें ये जो आज का दिन है वो आमूल से दर्ज होगा। आगामी योजना क्या रहेगी? आगामी योजना इसकी व्यापक आगामी योजना बनाई गई है। पहली बात तो इस प्रोग्राम के बाद में आज माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। अब वो माननीय हैं हमारे लिए, राष्ट्रपति महोदय हमारे समाज से बिलोंग रखते हैं, तो हम उन पर जब तक उस संवैधानिक संस्था में बैठे रहेंगे तब तक हम उन पर भरोसा करेंगे। वो हमारे लिए कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं अब ये उनके ऊपर है, लेकिन हमारे समाज के से वो आते हैं और उससे बड़ा वो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, तो हम उन पर पूरा विश्वास करते हैं और हम उन्हें देंगे। इसके अलावा कुछ MPs से भी मुलाकात की जाएगी और ये मांग की जाएगी, कुछ हमारे प्रतिनिधि MPs हैं उनसे ये मांग की जाएगी कि अगला जो मानसून सत्र आ रहा है वहाँ पर आप 5वीं और 6वीं अनुसूची को लेकर पार्लियामेंट में व्यापक बहस हो उस पर, ताकि कुछ परिणाम, फ्रूटफुल परिणाम हमारे सामने निकल कर आए। देवाशीष जी, अभी आपने बताया सारी घटना को बताया कि 545 तो विधायक है इस समय और 134 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से 78 जो बाबा साहब को मानते हैं और उसमें से एक महामहिम। जिस समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरीके का फैसला सुनाया गया, तो क्या उन लोगों को उसी समय उसका बोलना नहीं चाहिए था? बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं आपके सामने ये पहले बोल चुका हूँ कि एक फिल्म के तौर पर जब किसी समुदाय की भावनाएं हट होती हैं तो वो गलत, कितना भी गलत होने के बाद भी उस समुदाय के विधायक सांसद अक्रॉस पार्टी लाइन से निकल के आते हैं जमीन पर और इस देश को पूरा बंधक बना लेते हैं। महीने तो 26 जनवरी के दिन जिस दिन देश का गणतंत्रता दिवस था, उस दिन भी उस एक संगठन के लोगों ने उनकी ताकत के बल पर इस देश को बंधक बना के रखा था। इस देश की 26% आबादी एक फैसले, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सीधे प्रभावित होती है और हमारे प्रतिनिधि चुप हैं। मैं बता रहा हूँ, एक प्रतिनिधि आपने बताया 134 है, अगर 134 प्रतिनिधि अगर साइन करके लिख दें तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज के खिलाफ क्या कहते हैं इंप्लीमेंट, महाभियोग के इंपीचमेंट की कार्यवाही चालू हो सकती है और वो जब तक वो इंपीचमेंट की कार्यवाही डिस्कशन होगी तब तक वो अपनी अपनी सीट पर जजमेंट नहीं दे सकता। अब तब तक उसके पास पावर, सारी जुडिशियल पावर छीन ली जाती है, तो हमारे पास क्या ताकत नहीं है? मैं आज बोल रहा हूँ 100 सांसद अगर दलित अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय का लिख दे, नहीं 100 इंपीचमेंट के लिए 100 चाहिए लोकसभा में, 50 चाहिए राज्यसभा में,
तो 100 सांसद अगर हमारे आज लिख के नहीं दे सकते, अगर लिख के देते हैं तो फिर क्या कहते हैं हमारा जो जो जिस जिन जजों ने ये आदेश दिया है वो उनके खिलाफ वहाँ पर डिस्कशन हो सकता है बाकायदा, वो हटे नहीं हटे वो बात की बात है। चलो ये चल रहा है कि अब आप लोगों ने पूरी अपील है कि 2 तारीख को हम पूरा भारत बंद करेंगे, तो भारत बंद कर आप कैसे करेंगे भारत बंद? देखिए पहली बात तो कि जो जो 2 अप्रैल को भारत बंद हो रहा है वो किसी के द्वारा एक के द्वारा बुलाया नहीं गया, इस आंदोलन को कोई चेहरा नहीं है, ये सोशल मीडिया से उपजा हुआ आंदोलन है और जो सामाजिक जनाक्रोश है वो जनाक्रोश से उभरा हुआ आंदोलन, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग सामाजिक संगठन SC ST के कर्मचारी और प्राइवेट इंडिविजुअल इससे जुड़े और अब ये व्यापक तौर पर एक बड़ा आंदोलन के तौर में दिख रहा है। हमारा यही हम लोग यही मोटिव कर यही प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी जनता से ये हम लोगों ने उनसे आह्वान किया है कि जहाँ कहीं भी आंदोलन हो रहा है उसको शांतिपूर्वक करें और एक जिले में एक ही जगह आंदोलन हो ताकि भीड़ डाइवर्ट ना हो, क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है सरकार ये प्रयास करेगी कहीं हिंसा भड़के और फिर इस समुदाय के युवाओं पर FIR दर्ज हो, उनका दमन किया जाए ताकि आगे की लड़ाई लड़ने के लिए काबिल ही ना बचे, अपंग बना दिया जाए इनको। इसलिए मैं अपने समुदाय के आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि कल अगर आप आंदोलन करने जाएँ तो पहली बात ये देखिए कि आप सारे कानूनी प्रावधानों का माने और दूसरी बात अगर कहीं भी आंदोलन कर रहे हैं तो एक जिले में एक ही जगह आंदोलन करें ताकि संख्या बल हमारे पास हो, किसी को भी वहाँ चुन कर वहाँ पर टारगेट ना किया जाए। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है।